एक सेकेंड रिकॉर्डिंग, यस। सो सेकेंड नंबर पेज पे कुछ स्टैंडर्ड रूल्स दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स दिया हुआ है इंटीग्रेशन का, दैट इज पॉइंट फोर, है ना। 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स दिए हुए हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। सो उसी के ये चीज याद होगी ना तो ही सम सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाओगे, ऐसा है, ठीक है। सो हम लोग, मैं ना एक एक करके एक एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज को करती जाऊंगी, और आप लोग भी प्लीज अपनी नोटबुक ओपन करना और मेरे साथ करते जाना, ठीक है। सो देखो, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन में फर्स्ट नंबर क्या बताया है, आ जाओ। दीदी आपके साथ करते जाए हम लोग? हाँ, मेरे, मैं जैसे एक समझाऊंगी तो आप भी मेरे साथ साथ में करते जाओ, ठीक है। ओके, आपको बाकी क्लियर तो दिख रहा है ना? हाँ, ऐसे अभी तो क्लियर है। ओके ओके, चलो ठीक। देखो इसमें ना क्या बताएंगे, इंटीग्रेशन की साइन है हमारी एक्स रेस टू एन। अगर हमारा क्वेश्चन एक्स रेस टू एन और ये पीछे है ना dx अपने को दिया हुआ होगा, मेन क्वेश्चन है हमारा ये वाला जो मैंने बॉक्सिंग में किया हुआ है। सो अगर x रेस टू n होता है तो हम लोग इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू x रेस टू n प्लस 1 और n प्लस 1 नीचे अपॉन में, इसको आंसर सॉल्व आउट करने के लिए, प्लस सी क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है, आपको हर एक आंसर में लास्ट में सी लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये अगर हमारा एक्स रेस टू एन होता है तो हम लोगों को आंसर किस फॉर्म में लेकर आना है, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। अभी मैं इसी का सेम एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर हमारा क्वेश्चन है एक्स रेस टू 2, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे जनरली बताओ, x रेस टू प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 2 प्लस 1 और ये सेम एज इट इज कांस्टेंट c, ठीक है, कुछ नहीं करना है और ज्यादा। सो ये हमारा सॉल्व हो गया भाई। ऐसे बेसिक बेसिक से चीजें एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ओके, सेम एज इट इज। पहले मैं 3-4 कर लूं, फिर आपको मैं टाइम दूंगी, आप लोग भी लिखते जाना, ठीक है। सेकेंड नंबर आ जाते हैं, अगर इसी में और भी सॉल्व करना हो तो हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, इसमें आपको सम्स है ऑलरेडी, तो मैं दूसरा एक और ले लेती हूँ। तो अगर इंटीग्रेशन अपने को साइन की हुई है, अगर रूट एक्स है और ये डी एक्स है, राइट। अभी ये रूट एक्स का क्या होता है, मतलब एक्स वन अपॉन टू, यस और नो, एक्स रेस टू वन अपॉन टू होता है ना रूट एक्स, रूट एक्स का मतलब, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ एक्स वन अपॉन टू। तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर कैसे निकालेंगे, एक्स वन अपॉन टू प्लस प्लस वन डिवाइडेड बाय वन अपॉन टू प्लस वन नीचे आंसर क्या आएगा हमारा, सबसे पहले ये मैं ले लूंगी टू, ये टू प्लस वन, ठीक है, और ये ऊपर एज इट इज एलसीएम कर दे, हाँ एलसीएम कर लेंगे सिंपली हम लोग, प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जनरली, ये टू चला जाएगा, वीडियो अटक रहा है बार बार, नेटवर्क इशू होगा आप लोगों का, मेरे यहाँ पे वाईफाई चल रहा है यार। देखो ये जो टू है, दिस टू कहाँ चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या रहेगा थ्री, बाकी क्या हम लोगों को करना है, 2x raised to 1 upon 2 plus, ये plus ऊपर नहीं, ये plus साथ में लगेगा, plus c,
देखो यहाँ पे कोई डाउट ये कैसे हुआ क्या हुआ, नीचे अपने ना एलसीएम ले लिया सिंपल, और फिर क्या कर दिया सिंपली ये टू को ऊपर जाने दिया और थ्री को नीचे रख ले दिया. सो टू एक्स वन बाय टू रेज टू प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री प्लस ये कॉन्स्टेंट टर्म होगा. दी टू तो पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा ना, क्या बोल रहे हो, टू तो पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होता है ना, कौन सा टू, ये जो हमने डेनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर में लेकर गए. हाँ जी 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 हाँ, वो पूरे टर्म से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है. यस एक सेकंड खाली, एक मिनट ये ऊपर है वन, एक सेकंड ना, ये टू ये वाला तो ऊपर ही जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा, एक सेकंड खाली रुक जाओ. ये जो प्लस वन है ना ऊपर का वो इसके साथ है. हाँ मेरी मिस्टेक है, ये एन प्लस वन है. तो हम लोगों को ऊपर क्या होगा, सबसे पहले इसको अगर हम लोग इधर का एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, एक्स टू बाय थ्री, यस और नो, इसका एलसीएम ले अपने नीचे टू टू प्लस वन डिवाइडेड बाय सेम एज इज इट टू टू प्लस वन प्लस थ्री. सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स थ्री बाय टू रेस टू है हाँ डिवाइडेड बाय थ्री बाय टू. तो ये टू अब क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, टू एक्स थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय सिंपल क्या आएगा नीचे थ्री ये प्लस सी. मेरे को ध्यान नहीं था एन प्लस वन है, ऊपर है, रेज में है, नीचे नहीं है, एक्स के साथ नहीं है, ऊपर एन प्लस वन है, तो वो मेरी मिस्टेक थी. तो ये अब ऐसे सॉल्व होगा इस तरीके, बस एलसीएम ही लेना है अपने को और कुछ नहीं करना है. यहाँ पे ऊपर भी एलसीएम लेना है, यहाँ पे नीचे भी हम लोगों को एलसीएम लेना है. सो ये मेरे साथ करो, जहां पे भी डाउट लगे ना तो वहां पे मैं फिर से समझाऊंगा. ये वाला करो, ये दोनों सम्स, और हो जाए तो मेरे को बताओ. क्लियर दिख रहा है कि ब्लर है? क्लियर है. ओके नहीं दिए. ओके हो गया, समझ में आ गया ये वाला, ये कुछ डाउट है? नहीं आ गया समझ में. यस तीनों, दो दिव्या है. ओके मैंने समझा तीनों ही दिव्या है क्या? यस तो क्लियर. अभी यही यही प्रोसेस को लेकर हम लोग आगे एक और सम करते हैं. नेक्स्ट वाला हम लोग करें.
क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 1/x^2 क्या है 1/x^2 dx ठीक है। अभी आप लोगों को पता है कि अगर x नीचे है तो हम लोगों को ऊपर लेकर आना पड़ेगा। अब जब ऊपर लेकर आएंगे हम लोग तो क्या लगाते हैं हम लोग माइनस की साइन लगाते हैं राइट। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये क्या हो जाएगा x^-2 यस और नो ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग ऊपर लेकर आते हैं अगर नीचे डिनोमिनेटर है तो हम लोग क्या कर देते हैं खाली 2 के आगे माइनस लगा देते हैं यस और नो याद आ रहा है कंसेप्ट। ये सेम थी डिफरेंशिएशन और इन सब में भी थी। तो अभी अभी हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो x^-2 है तो हम लोग क्या करेंगे x^-2 + 1 फॉर्मूला वही सेम एज इट इज और नीचे क्या हो जाएगा -2 + 1 + c तो क्या आएगा आंसर हमारा x^-1 और इधर नीचे x^-1 + c ठीक है। अब ये माइनस वन माइनस आगे आ जाएगी साइन सिंपल और ये हो जाएगा x^-1 + c। अब मुझे बताओ इसका क्या करोगे माइनस की साइन एज इट इज प्लस सी एज इट इज इसका क्या करोगे 1/x सिंपल हो गया सेम एज इट इज क्लियर ओके। और एक और ऐसा सम पूछ सकते हैं अगर आपको दिया हुआ हो ऐसे इस तरीके से कि इंटीग्रेशन और सीधा दिया हो dx खाली तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 तो इसको कन्वर्ट कैसे करके लेकर आएंगे 1 को हमेशा क्या आप एक्सप्रेस करेंगे एज अ x 1 को x और फिर हम लोग c लगा दें ऐसा समझ लो यहाँ पे 1 है क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम लोग क्या सपोज करेंगे 1 सो 1 को हम लोगों को क्या करना पड़ता है कन्वर्ट x के फॉर्म में और ये कॉन्स्टेंट टर्म हमारा जो c लगेगा ही लगेगा हर किसी के पीछे ठीक है। तो ये आपके इस फॉर्मूला के ऊपर चारों सम्स कंप्लीट हो गया ठीक है ये वाला कंप्लीट कर दो फटाफट से। दीदी तो यहाँ पे कुछ था नहीं तो हमने उसको एक्स किया तो वो जो पावर हाँ वो तो एन प्लस वन जो अपन ऊपर लगाते हैं तो वो लगेगा नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है अगर x यहाँ पे दिया हुआ हो कुछ भी x^2 तो ये हम लोग ऐसा सपोज करते हैं 1 है लेकिन यहाँ पे x भी नहीं दिया है तो यहाँ पे हम लोग क्या सपोज करेंगे कि 1 है और 1 का हमेशा इंटीग्रेशन में क्या होता है x होता है समझे। मैंने इसी वजह से साइन लगा दिया यहाँ पे मैंने अगर एरो किया है ना कि हमको 1 को हमेशा इसमें कन्वर्ट करना होता है x को अगर इधर होता ये x दिया हुआ होता भाई x dx होता तो हम लोग क्या करते x 1 + 1 क्योंकि n हम लोग सपोज करते भाई 1 है कुछ दिया हुआ नहीं है तो 1 है और इधर भी 1 + 1 ओके ओके और ये c तो x^2 / 2 + c हां समझे यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया हुआ है ऊपर वाले में तो जितने सम्स होते थे अलग अलग तरीकों के अभी आपको यहाँ पे x^5 दे x^8 दे व्हाटएवर कोई भी कुछ भी दे आपकी फॉर्मूला यही वाली लगेगी अगर x^2 कुछ है तो x^n है तो इसमें अभी रूट भी आ सकता है तो रूट वाला भी हम लोगों ने कर दिया और अगर अपॉन वाला है क्योंकि देखो 1/ है तो ये x^2 ही है मतलब x^n ही है नीचे हम लोगों को पहले इसमें कन्वर्ट करके और फिर सॉल्व करने का तो जितने सम्स इसके ऊपर बनते थे वो सारे सम्स मैंने बता दिया ठीक है। ये वाला साइड हो गया ना तब तक मैं बात कर
यस नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे रूल टू पे. देखो रूल टू भी मैंने आपको समझा ही दिया, वो वन वाला ही रूल टू अपना वही है ना जो मैंने आपको समझाया. अगर वन हो तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे एक्स के अंदर, मतलब वन और टू दोनों कंप्लीट हो गया. अब सीधा आते हैं हम लोग थर्ड पे. अगर ई रेस टू एक्स दिया हुआ हो फॉर एग्जाम्पल, और ये पीछे तो डी एक्स तो होगा ही क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन हमारा क्या है दिस वन e रेस टू x है, कुछ नहीं करेंगे आंसर में भी e रेस टू x करके प्लस c कुछ नहीं करेंगे, ठीक है कुछ भी नहीं e रेस टू x करके ही छोड़ेंगे क्योंकि e x का कुछ नहीं होगा. ओके सो यहाँ पे कुछ भी हो क्योंकि e x कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी होगा यहाँ पे n में शो होगा या फिर a b कुछ ऐसा फिगर्स हो सकता है, कोई नंबर्स हो सकते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं होगा. अगर आता है e raise to x तो आंसर में भी e raise to x plus खाली c, dx को हटाकर plus c कर देना, that's it और कुछ भी नहीं. फोर्थ पे आ जाती हूँ, फोर्थ वाली जो है दैट इज अब चेंज आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना. e raise to ए एक्स प्लस ऊपर ही है प्लस बी, मतलब ए कुछ नंबर हो सकता है बी कुछ नंबर हो सकता है, ठीक है और ये है डी एक्स. तो इसका आंसर क्या होगा, कैसे फॉर्मेट में होगा, सेम एज इट इज पहले ये वाला ऊपर लिखेंगे ई ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय नीचे क्या लेकर आएंगे सिर्फ ए, जो ए कुछ भी नंबर होगा ना 2, 5, 8 जो भी नंबर हो वो नंबर को खाली क्या लिखाएंगे नीचे ले आएंगे और ये प्लस सी हमारा. कुछ नहीं करना है, जैसा दिया हुआ है वैसा लिखकर जो ए कोई भी नंबर होता है तो उसको हम लोग नीचे ले आएंगे. तो इसका हम लोग करते हैं एग्जांपल, ठीक है सबको एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि 2x + 3 dx. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल e 2x + 3 / 2 + c खत्म हो गया भाई. सॉरी एकदम इजी इजी वाले हैं स्टार्टिंग में, फिर धीरे 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 करके थोड़ा आगे आते जाएंगे ना हम लोग, ठीक है. सेम एज इट इज दूसरा एग्जांपल लूं इसी का, तो जितने एग्जांपल बनते हैं इसमें से उतने एग्जांपल्स हम लोग कंसिडर करेंगे. तो इंटीग्रेशन का है क्या दिया हुआ है x डिवाइडेड बाय 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x डिवाइड बाय 5, ठीक है. और ये दिया हुआ है dx, ठीक है. अब आप समझ सकते हो ये x डिवाइड बाय 5 का मतलब, अगर मैं और ज्यादा इसको क्लियर करूं तो क्या होगा 1/5 × x ऐसा होगा. तो ऐसा समझ लो दिस इज अवर ए, ये हमारा ए है और बी अपने को कुछ दिया नहीं है, बी नहीं दिया है तो हम लोग उसको कुछ लिखेंगे ही नहीं. मैं इसको ना एक्सप्लोर कर रही हूँ दिस वन, इसको ऊपर e रेस टू x 5 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे इसको कंसीडर करेंगे एज अ 1/5 × x, ठीक है क्योंकि ऊपर हम लोग ऐसे ही कंसीडर करेंगे 1. इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, सिंपली सेम फॉर्मूला e x रेस टू 5 कुछ दिया हुआ नहीं है तो इधर तो c हो जाएगा, नीचे क्या आएगा 1/5 क्योंकि हमारा a क्या है 1/5, ठीक है. तो ये 5 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा सिंपल 5 e रेस टू x डिवाइडेड बाय 5. थोड़ा और क्लियर करूं एक मिनट, फाइव ऊपर आ गया e x raise to e raise to x divided by 5.
मैंने ना एक्सप्लोर करके आपको यहाँ पे बता दिया, तो आप इसको लिखो भले अपने नोटबुक में, लेकिन ब्रैकेट में लिखना, समझे? तो जितने एग्जाम्पल्स इसके, एक दो और एग्जाम्पल्स है आई थिंक, हाँ एक दो और एग्जाम्पल्स है, करते हम लोग, पहले इसको लिखो, इधर सी लिखेंगे लास्ट में आंसर में। सी लिखना ही है, इंटीग्रेशन के अंदर चलता ही है ये। क्या है, जैसे आप लोगों ने लिमिट, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, अब ये सबसे हायर लेवल का पार्ट है, ये इंटीग्रेशन फिर भी आपके बुक में फिर भी कैसे लिमिटेड एरिया तक दिया हुआ है, लेकिन मेन इंटीग्रेशन कौन करता है, मैं बताऊं? साइंस वाले इंजीनियर्स लोग को मेन ये इंटीग्रेशन आता है कॉलेज के अंदर, और उनका इंटीग्रेशन का लेवल बहुत हाई होता है। दीदी काम किस में आता है ये इंटीग्रेशन करने में? बहुत सारी चीजें हैं ऐसे तो करने में यूज होता ही है, क्योंकि देखो ये जो सी है दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, ये पूरा मैथमेटिकल ही है पूरा का पूरा। सो इंजीनियरिंग में जनरली मैक्स वगैरह यूज होती है, और उनको डिराइव करते हैं पर्टिकुलर वो मशीन्स, और या तो फिर उनको कुछ करना होता है, तो मेन इंटीग्रेशन जो यूज होता है ना वो इंजीनियरिंग वालों को ही है। आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप में से काफी लोग ऐसे भी बच्चे होंगे जो कंप्यूटर एप्लीकेशन रिलेटेड जैसे BCA, MCA ऐसा सब करना चूज करे, राइट? आपको पता है 11, 12 में भी अभी लिमिट, डिफरेंशिएशन, फंक्शन ये सब चैप्टर्स डाल दिए। डिफरेंशिएशन के तो वैसे भी कॉस्ट में भी उसका यूज आता है, लिमिट और डिफरेंशिएशन का, बट इंटीग्रेशन इज जनरली, मतलब लोग PhD करते हैं इंटीग्रेशन में, आपको जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं ना, या फिर BCA, MCA वाले जो भी होते हैं ना, उन लोगों को भी इंटीग्रेशन आता ही। ओके ओके, इवन कॉस्टिंग में भी ये काम आता है, हाँ कॉस्ट निकालने में। सो नेक्स्ट हमारे इसमें दिया हुआ है, देखो आपका चैप्टर का नाम ही है ना इंटीग्रेशन एंड इट्स अप्लीकेशन, सो ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा। सो वो हम लोग कॉस्ट निकालते थे, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, ऐसा सब निकालने में हम लोगों को हेल्पफुल है इंटीग्रेशन भी। डिफरेंशिएशन अपने कॉमर्स में इसमें यूज होता है जनरली। ठीक है, डन? हाँ हो गया। ओके चलो, इसी के सेम रिलेटेड हम लोग और एग्जांपल कर लेते हैं। हमको दिया हुआ है इंटीग्रेशन टी माइनस टू एक्स, और कुछ दिया हुआ नहीं, डी नहीं दिया हुआ है अपने को, ठीक है? आपको जस्ट ऐसे सोचना है, अगर नंबर दिया हुआ हो तो नंबर वो नीचे आएगा ही आएगा। देखो सिंपल वाले में कुछ भी नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं था, अगर नंबर आ जाता है तो नंबर को डिवाइड में लेकर आना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सेम एज इट इज, e रेज टू माइनस टू एक्स ये प्लस सी डिवाइडेड बाय माइनस टू, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस e रेज टू माइनस टू अपॉन, मतलब ओवरऑल सब पे माइनस लगाएंगे एक्स। और एक और दिया हुआ है थोड़ा ट्विस्ट करके, e 3 माइनस 4x dx। देखो अब a और ये वाला जो था ना पार्ट पर्टिकुलर ax वाला, उसको पीछे लेके गए हैं और b को आगे लेकर आए हैं, कुछ नहीं किया है जस्ट। तो हमारा a क्या होगा जो x के साथ हो, दिस वन इज आवर a, ठीक है, और ये हमारा है b, और कुछ नहीं किया है, x के साथ जो हो वो हमारा a है, तो a हमारा माइनस फोर है और b हमारा क्या है प्लस थ्री है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। e सेम एज इट इज, कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज लिख दो, 3 माइनस 4x डिवाइड में क्या कर दूंगी, माइनस 4 प्लस
फिर ओवरऑल माइनस हम लोग साइन लगाएंगे रेज टू थ्री माइनस फोर एक्स अपॉन फोर प्लस थ्री हो गया भाई. रूल्स को थोड़ा ध्यान से समझना है और मैं देखो रूल्स के साथ ही उसका साथ साथ में जो जो सम्स हो सकते हैं वो सम्स हम लोग प्रैक्टिस करते जा रहे हैं ताकि आपको भी पता चल जाए. मैं ऐसा नहीं है कि रूल्स में एक बार रिपीट कर दूं 9 के 9 और फिर हम लोग सम्स करने पे आए. तो ऐसे मेरा पैटर्न यही है कि भाई रूल्स के साथ ही हम लोग सारा प्रैक्टिकल भी सारा सारा जो है जितने सम्स बनते हैं वो हम लोग करते हैं. हो गया सबका सबका हो गया. यस दिव्या आपका भी हो गया. हाँ हाँ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल फिफ्थ नंबर. देखो फिफ्थ रूल क्या दिया हुआ है एक सेकेंड मैं मार्क कर. फिफ्थ रूल क्या दिया हुआ है ए एक्स दिया हुआ है. अब देखो ए रेज टू एक्स दिया हुआ है ए मतलब कोई ना कोई नंबर ही होगा और एक्स ऊपर होगा. अब ध्यान देना अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अगर ऐसा होता है तो ऊपर तो सेम ए एक्स ही लिखेंगे लेकिन डिवाइड में क्या हो जाएगा हम लोग क्या मेंशन करेंगे लॉग ई ई छोटा सा इसको कुछ नहीं करेंगे लॉग ई बस और हो जाएगा हमारा ए मतलब ऊपर जो नंबर होगा नीचे भी वही नंबर आएगा. अगर टू होता है तो नीचे भी टू लिख देंगे प्लस सी लेकिन नंबर पहले आएगा एक्स उसके रेज में आएगा यहाँ पे. अब इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकली करें तो यहाँ पे आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है 2x ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है तो अपने सॉल्व कैसे करेंगे 2 रेज टू एक्स एज इट इज लॉग ई यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस सी खत्म हो गया. इसका एक दूसरा और सम करें अगर हम लोग अपने को दिया हुआ है 10 रेज टू 5x क्या दिया हुआ है अपने को 10 रेज टू 5x दिया हुआ है क्या करें 8dx सेम एज इट इज 10 रेज टू 5x लेकिन अब x के साथ भी अपने को क्या दिया हुआ है पर्टिकुलर 5 दिया हुआ है तो इसका थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे इसमें क्या करेंगे जनरली लॉग ठीक है ये हमारा e as it is जैसे हम लोग लिखते हैं और इधर क्या हो जाएगा 10 into 5 बस ये चीज अपने को करनी है जो a है ना हमारा उसके साथ ये दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन होगा अगर x के साथ भी ऊपर कोई नंबर आता है तो इसमें एक रूल हाँ नहीं बस Yes, ये वाला जो रूल है ना एक सेकंड ये वाला रूल दूसरा है
ये वाला दूसरा रूल लगेगा इसमें, नेक्स्ट सिक्स नंबर लगेगा, मैं वो पहले रूल लिखूं। रूल है आपका ए रेस टू एम एक्स प्लस एन। जैसे अभी नंबर था ना ऊपर एक्स के साथ, एन में नहीं हो कुछ भी या हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सो ए रेस टू एम एक्स प्लस एन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर तो एज इट इज प्लस एन, नीचे क्या होगा, नीचे ये जो m है ना हमारा वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, ठीक है, और log e a हमारा log e a ऐसे आएगा और प्लस c, ये चेंज हो रहा है। और मैं यहाँ पे वो जो हम लोगों ने सम किया 10 रेस टू 5x, n दिया हुआ नहीं है, हमारा m क्या है दिस 5, ओके। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, सेम एज इट इज 10 5x, m हमारा आ जाएगा 5 इधर log e रेस टू 10, मतलब ये इनटू में जो हम लोगों ने पीछे किया था, मैं बस यही फॉर्मूला के हिसाब से चल रही हूँ। 5 पीछे लिखोगे तो भी चलेगा, आगे लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस सी। ये सेकेंड हमारा नेक्स्ट रूल आ जा रहा है, सिक्स्थ वाला। इसी के रिलेटेड एक और सम है जिसमें n भी बताया है, सो ये नंबर आ गए, तो दैट इज 3 7x + 2, मतलब ये हमारा हो गया m, ये हमारा हो गया n, ओके, और ये dx इक्वल्स टू सेम एज इट इज 3 7x + 2, डिवाइड को क्या करेंगे 7, क्योंकि m क्या है हमारा 7, ठीक है, log e raise to क्या हो जाएगा 3, बस ऊपर जो log ये e है ना नीचे आएगा, जस्ट इसके नीचे ऐसे लिखेंगे हम लोग, इसको mention ऐसे करेंगे, और ये plus c, और कुछ नहीं करना है, जैसा दिया हुआ है सेम एज इट इज पहले ऊपर, और फिर ये m जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ था पर्टिकुलरली वो हम लोग नीचे ले आएंगे। आंसर नहीं दिख रहा है, हाँ बस ठीक है, हाँ। तो 7 को नीचे ले आए, जनरली log e, और ये हमारा यहाँ पे हम लोग जो लिखते हैं जनरली a, तो हम लोग a लिख लेंगे यहाँ पे, बस जैसे फॉर्मेट में दिया हुआ है, अगर स्टैंडर्ड रूल स्टैंडर्ड याद होगा तो आप इजीली आंसर कर सकते, और कुछ भी नहीं है, बस वो स्टैंडर्ड को याद करना है, और सेम एज इट इज खाली m n a b ऐसे सबके जगह पे खाली नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, और कुछ नहीं, x का कोई नंबर नहीं होगा भाई, ठीक है, तो कभी x रेस टू 2 होगा, तो कभी नंबर पहले आएगा उसके रेस में x होगा, ऐसा सब कुछ होगा। तो ये रूल नंबर 5 उसका ही सेम एग्जांपल, रूल नंबर 6 उसके ही दो एग्जांपल, इसको खत्म करो फटाफट से। ऊपर वाला 5 दिखा दो ना पहले, क्या 5 दिखा दो ना, अभी सिर्फ 6 दिख रहा है, ओके ओके लो ठीक है, हाँ।
अब ये क्या थोड़े जो रूल्स है ना, मतलब मोस्टली जो फर्स्ट वाला रूल है, मोस्ट ऑफ पर्पस के लिए फर्स्ट सेकंड वाले रूल्स ही चलते हैं जनरली, बट ये ई वाले कभी कभार ऐसे पूछ लेते हैं, लेकिन नहीं तो मोस्ट ऑफ ऐसे समझो कि हमारा ये फर्स्ट वाला रूल, सेकंड वाला रूल और सेवेंथ एक रूल आएगा अभी, वो वाला ना ज्यादा से ज्यादा अप्लाई होगा. ठीक है, बाकी जो सम पूछते हैं ना वो मैं आपको कल करवाती जाऊंगी कि सम जो मोस्ट ऑफली पूछे जाते हैं या फिर प्रैक्टिकली मार्जिनल कॉस्ट और वो सारे जो सम्स हैं जो मोस्टली आते हैं वो पूछे जाते हैं. ठीक है, सो है ना मीटिंग खत्म हो जाएगी अभी, सो आज हम लोग इधर तक ही रखते हैं. कल आप लोगों का टाइमिंग 11 बजे मैं ना इन्फॉर्म कर देती हूँ ग्रुप के अंदर. जी 11 बजे नहीं हो पाएगा. क्यों? मेरा मतलब ट्यूशन पर आती हूँ ना तो फिर वो बच्चे आते हैं. अच्छा ओके.